नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास 9th के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 3C के एग्जांपल 4 है, और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, और बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टराइज 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12, 2 में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12, मतलब इसको जो है हम लोग को फैक्टराइज करना है इसको। तो इसके लिए जैसे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशियंट और 12 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 12 इंटू 1 कितना होगा, तो 12। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, तो इस 12 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, मतलब ये देखिए 2 से लगाएंगे तो आएगा 6, और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जो है हमें 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है वो क्या मिला, तो 2 × 2 × 3। अब इसके बाद जो हम लोग आएंगे इस 12 के पास, इस 12 का साइन देखेंगे क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर 12 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसका मतलब जो है हमें ऐड करके जो है सम करके जो है ये मिडिल टर्म लाना है। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए इस 3 को जो है तोड़ लेते हैं, यहाँ देखिए √3 × √3 के रूप में। अब यहाँ देखिए 2 2 जो कितना होगा 4, तो 4√3 लिखेंगे यहाँ पर √3। अब देखिए जब 4√3 और √3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5√3, मतलब जो हमें चाहिए वो जो है मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 12। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस √3 x प्लस इस 12 को भी जो है तोड़ लेते हैं, या फिर इसी के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4√3 × √3 लिख लेंगे, जो अगला स्टेप में हमें काम आएगा। अब यहाँ देखिए एक्स जो है दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो होगा एक्स प्लस 4√3, और यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों में से जो है √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, इसमें 2√3 है तो एक रह जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 4√3, और यहाँ पर लिखेंगे ये एक्स प्लस 4√3 और एक्स प्लस 4√3 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 4√3 × x+√3, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 x माइनस 30। फिर से जो है वही काम करना है, 30 का जो है 30 और इस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30 × 1, मतलब 30। फिर इसके बाद जो है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो होगा, यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो आएगा 15, और 3 5 = 15, और यहाँ पे लिखेंगे 30 = 2 × 3 × 5। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर √3 है तो इस 3 को जो है तोड़ लेते हैं, 3 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 × √3 × √3 × 5। अब इसके बाद जो है कहाँ जाएंगे, तो इस 30 के साइन के पास। तो जैसे कि इस 30 का जो साइन है वो क्या है, तो नेगेटिव है, मतलब हमें जो है सट्रैक्ट करके जो है ये मिडिल टर्म लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 5√3 − 2√3 कितना होगा, तो 3√3 × x × x − 30। अब यहाँ देखिए यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जो हम रिप्लाई कर लेते हैं तो होगा 5√3 x − 2√3 x − 30। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोनों में x है तो कॉमन आ जाएगा, तो होगा यहाँ पर x प्लस 5√3, और इसमें से जो है यहाँ देखिए जब −2√3 कॉमन लेंगे तो होगा x+5√3, ये रहेगा 5√3। जब इस 30 में से जो है 2√3 कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए ये 30 जो है 2√3 × √3 × 5 के रूप में है, तो जब इसमें से जो है ये 2√3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, तो 5√3 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए
ये दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा एक्स प्लस फाइव रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू रूट थ्री, और ये जो है अपना आंसर आ गया।